Hello, good morning. It's my BSc student. Today I am going to teach you the new question. Explain the violation rights of scheduled caste. Explain the violation of scheduled caste. So here some points are given: social discrimination and exclusion. So explain. हम अभी आगे के पॉइंट देखेंगे. Although the untouchability has been abolished, but its practice is still going on in some part of area, in some part of the country, in the rural area. Particularly, the untouchability is going in most probably in rural area, not in the urban area. Untouchability is practiced usually by the way of fetching water from the common sources like ponds and community wells, drinking tea from the common cups in the tea stalls, walking through the common pathway, using footwear to walk, and wearing clean clothes and valuable ornaments, and from entering religious places like temples, etc. So यहाँ पे untouchability किस form में हमको दिखाई देती है? ज़्यादातर जो गांव का जो विस्तार होता है या छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे हमको ये अभी भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हमको दिखाई देती है. सबसे पहले जो पीने का पानी का जो सोर्स होता है या कुआ या तालाब, वहाँ से इन पर्टिकुलर एससी कास्ट को पानी भरने नहीं दिया जाता. अगर उनको पानी भरने दिया जाता है तो उनका पूरा एक अलग बनाया जाता है. अगर उनको चाय भी लेना है तो उनके कॉमन जो कप होते हैं, उनके सेट किए हुए जो कप होते हैं, उसमें ही चाय देना है. दूसरा है कि उनको पर्टिकुलर रास्ते से ही निकलना है, कि वॉकिंग थ्रू द कॉमन पाथवे, कि हाँ जो कॉमन लोगों के लिए होते हैं, जो उनके लिए कॉमन है, वही रास्ते उनको चूज करना है. पर्टिकुलर यूजिंग पर्टिकुलर फुटवेयर, कि उनको इस तरह प्रकार के ही जूते वगैरह पहनना है या वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स पहनना है. अगर उनको मंदिर में वगैरह या रिलीजियस प्लेसेस में उनको एंट्री मिलती है, तो रिलीजियस प्लेसेस में एंट्री मिलने के बाद भी उनको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि बाबा आप इसी टाइम में आप यहाँ पे रिलीजियस टेम्पल में जा सकते हो, रिलीजियस प्लेसेस में जा सकते हो. So, social discrimination and exclusion result in the low confidence, denial of opportunities, poverty, excessive dependency, exploitation, insult, and so on. So, जिस तरह से उनके साथ जो social discrimination होता है, तो वो उनमें एक प्रकार का low confidence दिखाई देते हैं. अगर उनको opportunity मिलती है तो भी वो opportunity का फायदा नहीं उठा पाते हैं. एक तो उनकी गरीबी एक पहला reason है कि उनको ज़्यादातर एक्सेसिव डिपेंडेंसी, उनको ज़्यादातर दूसरे लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है, कि हर बार उनका अपमान किया जाता है, कुछ ना कुछ बोला जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे किस्में दी जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर खोखले होते जाते हैं. और इसकी वजह से पूरा उनका जो बिहेवियर है या उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है. मतलब वो भी इंसान है, लेकिन इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए, नहीं कि जानवर की तरह. ओके. दूसरा है क्राइम अगेंस्ट एससी. तो उनके साथ जो कौन से गुनाह होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. इन एडिशन टू द सो कॉल्ड सॉफ्ट क्राइम सच एज सोशल एक्सक्लूजन, दलित हैव टू सफर फ्रॉम द हार्शर क्राइम एज वेल. उनके साथ जो एट्रोसिटीज होती है, अत्याचार होते हैं, वो तो है, तो उसको हम सॉफ्ट क्राइम कहेंगे. और उसके साथ साथ जो हार्ड क्राइम प्लस हार्शर क्राइम, ये जो वो सहन भी नहीं कर सकते, फिर भी वो सहन कर रहे, तो इस प्रकार का व्यवहार समाज के लोग उनके साथ बर्ताव करते हैं. तो पहला है सेटिंग देयर हाउस अब्लेज एंड लुटिंग देयर हाउस और थिंग्स, कि उन्होंने जो घर बसाया है उनके घर में डाका डालना या चोरी करना या उनके घर को जला देना. देन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द लिमिटेड सोर्स ऑफ सब्सटेंस लैंड, कि
उनकी जो सपोज उनके पास कोई जमीन है, उन्होंने भाड़े पे दी है, तो वहाँ पे भी इलीगल ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना, और जिसकी वजह से उनकी जमीन अब उनके हाथ से छीन जाए, जो दूसरे लोगों को देते हैं वहाँ पे वो इलीगल धंधा करते हैं, कि जो अव्यवहारी व्यवसाय करते हैं, इसकी वजह से उनकी खुद की जमीन उनके खुद के आँखें निकल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइजनिंग ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि अगर उनका जो पीने का पानी है उसमें कुछ मिला दिया जाए, केमिकल वगैरह का कुछ मिला दिया जाए, कि जैसे उनको बीमारी लग जाए या जी नहीं पाए या कुछ ऐसा कर सकता है, मतलब भी वहाँ पे होता है। देन डिस्ट्रॉइंग देयर क्रॉप, अगर उनकी खेती बाड़ी है, उनका एग्रीकल्चर है, उनकी थोड़ी सी जमीन है, उन्होंने अनाज उगाया है, तो रात के टाइम कहीं पे भी उनके खेतों में आग लगाई दी जाती है या उनका खेतों का नाश कर दिया जाता है। देन फोर्सिंग देम टू कंज्यूम ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड यूरिन, कि ये जो चीज़ें देख के हमें इरिटेशन होता है, वो जो चीज़ें देखे हम उनके बारे में कभी सोचते हैं तो भी हमको इरिटेशन हो जाए, तो वो उनको कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो बर्ताव है समाज के कुछ लोगों का, जो रवैया उनके तरफ है, वो थोड़ा सा उनमें बदलाव लाना चाहिए। जब हमारी सोच बदलेगी तभी हम बदलेंगे, तभी समाज बदलेगा और तभी देश बदलेगा। देन नेक्स्ट इज पियर्सिंग नीडल्स इनटू देयर आई, कि अभी अगर उनसे कुछ काम करवाना है वो काम करते हैं, कि बॉन्डेड लेबर की तरह काम करें या कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर वो किसी काम के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं तो उनके आँख में शार्प ऑब्जेक्ट पियर्स किया जाता है या उनके आँख में डाला जाता है, या कुछ ऐसा प्रकार का जो बर्ताव किया जाता है जो उनको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक धक्का दे रहे हैं, जिसे वो कभी भी बाहर आ नहीं सकते। नेक्स्ट है चॉपिंग देयर हेयर, कि एक प्रकार का जो वाल है, चॉपिंग देयर हेयर, जैसे हम कभी भी क्राइम, कहीं भी हम न्यूज़ में वगैरह क्राइम वगैरह जब देखते हैं या कोई भी ऐसा सीन देखते हैं, तो ऐसे सनसनाहट हमारे दिल में आ जाते हैं, कि ऐसे हम शॉक हो जाते हैं। तो अगर उनके साथ हो रहा है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो ये ऐसा प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। अगर किसने किया तो उसको सबसे सख्त ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए और पनिशमेंट देनी चाहिए। एक मैडर एंड पैराडिंग दलित वुमेन लिखे, अगर उनकी जो औरतें हैं तो उनकी औरतों को पे भी रेप किया जाता है, कभी कभी उनका मर्डर किया जाता है, या कभी कभी उनको समाज में नीचा दिखाने के लिए पूरा नेकेड उनको घुमाया जाता है। तो इस प्रकार का बताऊँ गाँव में या कहीं पे भी जो अनडिसिप्लिनरी प्रैक्टिस चल रही है, तो इस प्रकार के क्राइम उनके साथ होते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, जो पहला पॉइंट था वो सोशल एक्सप्लोटेशन था, अभी दूसरा पॉइंट है वो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। मोस्ट ऑफ दलित हाउस होल्ड लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अनजस्ट पॉलिसी। ज़्यादातर जो दलित, हम बोलते हैं दलित लोग, उन्होंने अपने जो पर्टिकुलर लैंड है या उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है तभी गंवा दी थी, कि जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे राज कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम सबको पता है, हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत अत्याचार किए, उससे ज़्यादा अत्याचार हमने सहे भी, तो इसकी वजह से उनका जो बोलता है उनका हम जो बोलते हैं कि जो जो क्या बोल सकते हैं उसको, कि उनका जो जो होश है वो ज़्यादा ही बढ़ता गया। अगर ये अत्याचार करे तो ज़्यादा अत्याचार करने लगे, क्योंकि बिकॉज वी इंडियन पीपल आर वेरी टॉलरेंट पीपल, सहन शक्ति है हमें ज़्यादा, अदरवाइज इतनी सहन शक्ति किसी और कंट्री के लोगों में नहीं है, हमने सहा। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे उन्होंने राज किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमको दुख दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया बताया जाता था पास में, तो सोने की चिड़िया को तो अभी उन्होंने जब राज किया तो सोने जो जितना हमारा अच्छा सब कुछ था, तो
थोड़ा मीन्स मैं थोड़े शब्दों में बताऊंगी, जो हमारा सब कुछ अच्छा था वो वहाँ पे ले गए, बाहर ले गए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड द स्किल्स दे हैड बिकम लेबरर्स। एक तो पहले उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते, और एजुकेशन ना लेने की वजह से उनके पास अगर स्किल भी नहीं है तो उनको सिर्फ एक ही काम बचा है कि बॉन्डे लेबर बनना। दूसरा है, ऑल दो द बॉन्डे लेबर सिस्टम हैज़ बीन एबोलिश, इस प्रैक्टिस स्टिल गोइंग ऑन इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। अनटचेबिलिटी की तरह ये बॉन्डेड लेबर जो सिस्टम है वो भी कई पार्ट में चालू मीन्स कुछ भाग में वो चल रही है, चालू ही है या चल रही है ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, जितना हो सके उतना काम कराना और उसका रिटर्न बैक दिया नहीं जाता है। लास्ट पॉइंट इज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। एससी वीमेन हैव हायर परसेंटेज विथ बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो एससी वीमेन दलित वीमेन ज़्यादातर बॉडी मास BMI ज़्यादा परसेंटेज में हमको दिखाई देता है। दूसरा है, माल न्यूट्रिशन इन एससी वीमेन 41% इज हायर देन द नेशनल एवरेज। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो हम नेशनल एवरेज में ऑर्डिनरी वीमेन या जनरल वीमेन की बात करें तो हमें ज़्यादातर कुपोषित औरतें वो एससी कास्ट में दिखाई देती हैं। मोर देन 50% ऑफ एससी चिल्ड्रन आर अंडरवेट एंड स्टंटेड। ज़्यादातर एससी जो चिल्ड्रन होते हैं वो अंडरवेट, उनका वजन वगैरह कम होता है, स्टंटेड होता है। स्टंटेड मतलब उसका मतलब ये हुआ कि उनको जो खाने पीने का जो खाना पीना होता उनका जो होता है वो हमारी तरह नहीं होता है। ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं उनका वो एक तो वजन में कम होते हैं, वजन में कम है उनका हाई वेट, उनका जो बॉडी डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो उसकी वजह से उनको ज़्यादातर वो अच्छी तरह से अच्छा खाना, दो टाइम उनके लिए अच्छा खाना मिलना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमें दिखाई भी देते हैं कि जब वो बच्चे यहाँ पे वगैरह घूमते रहते हैं या कोई भी बॉन्डेड लेबर का काम चल रहा है, बॉन्डेड लेबर का काम चल रहा होता है या लेबर वर्क का काम चल रहा है, तो उनके बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, नहीं बॉडी पे अच्छे कपड़े वगैरह है या ना कुछ अच्छा है, ना उनको खाना ठीक तरह से मिले, तो इस प्रकार का हमें कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। देन मोर देन ऐसे चिकन जो एनीमिया, ज़्यादातर बीमार होते हैं, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो 22.8% ऐसे चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ द स्कूल, क्योंकि वो ज़्यादातर स्कूल में नहीं जा सकते। 60.5% ऐसे चिल्ड्रन आर लिटरेट इन रूरल एरिया देन नेशनल एवरेज। कि हम नेशनल एवरेज की बात करें तो ज़्यादातर रूरल एरिया में 60.5% ऐसे चिल्ड्रन ही हमको लिटरेट दिखा देते हैं, बाकी की 40% जो चिल्ड्रन होते हैं वो रिमेन आउट ऑफ द स्कूल रहते हैं। उनके पास शिक्षा लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको फेस करना पड़ता है।